वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी प्रियंका। तो आज का जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो बहुत ज्यादा मेरी फेवरेट टीवी आर्टिस्ट है, जिनका नाम है सूरभी ज्योति, जो अभी आपको रिसेंटली नागिन 3 में भी दिखेंगी। उनका मैंने एक इंस्टाग्राम पे पिक्चर देखा था, बहुत सिंपल सा नेचुरल लुक, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। मुझे लगा मुझे इसको क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस का, मतलब डेली बेसिस का वो लुक है, और उस लुक को अचीव करने मुझे ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स भी नहीं लगेंगे और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, तो इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। इसलिए मैं आप लोग के साथ आज उस मेकअप लुक को शेयर करी। होप आप लोग को बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर हिट कर सकते हो, मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आपका एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो जो लुक की बात करी वो मैंने अभी क्रिएट किया, आप देख सकते हो कितना सिंपल एंड इजी लुक है, और इसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। सो यहाँ आपने मैंने पूरे फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लिया है, तो अब हम मेकअप का स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ लैकमे की सीसी क्रीम, जिसमें कि मेरा शेड है ब्रोंज, और सीसी क्रीम की कवरेज बीबी क्रीम से ज़्यादा होती है, तो ये आपके मेकअप के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहो तो बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो जो भी आपके पास आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे अपने हाथों पर निकाल कर और इसको डॉटेड फॉर्म में अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी अच्छी तरीके से। एंड ये SPF 30 है, तो आपको सनस्क्रीन लगाने की भी ऊपर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको सनब्लॉक से प्रोटेक्ट करेगा अच्छी तरह से। एंड ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए, तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसकी जैसी भी स्किन हो। एंड देन मैं यहाँ ले रही हूँ डैम स्पंज, इससे मैं अच्छी तरह से डैब डैब करके अपने फेस पर, पूरे फेस पर इसको स्प्रेड करूँगी अच्छी तरह से। एंड मैं इसको डैबिंग मोशन में ही पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी, जिससे कि मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा दिखे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। ब्लेंडिंग में आप प्रॉपर टाइम लो, बिकॉज ब्लेंडिंग अगर आप अच्छे तरह से नहीं करोगे तो आपका मेकअप केक ही दिखेगा, अच्छी तरह से नहीं दिखेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम दिखेगा। तो मेक श्योर करके आप ब्लेंडिंग में अच्छी तरह से पूरा पूरा टाइम लें। एंड देन यहाँ मेरे लिए ले रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर, जिसमें मेरा शेड नंबर है 25 मीडियम। एंड मैं इसे अपने अंडर आईज पर अप्लाई करूँगी, एंड आई बेस की तरह भी अप्लाई करूँगी। एंड जहाँ जहाँ मेरी डार्कनेस है, थोड़ी सी लिप के अराउंड, एंड मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज पर भी अप्लाई करूँगी थोड़ा सा हाईलाइटिंग के लिए। एंड सेम ब्लेंडर की टिप से मैं इसको अच्छी तरह से सेट करूँगी, और ये आईज की कंसील करने के लिए आप अच्छी तरह से प्रॉपर टाइमिंग ले, बिकॉज अगर इसमें आप थोड़ा सा भी जल्दी कर दोगे तो इसमें ये आपका कंसीलर सेट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बेकार दिखेगा आपका मेकअप। एंड ऐसे ही मैं दूसरे आंख का भी कंसीलर अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। यू कैन सी कि मैं कितना प्रॉपर टाइम ले रही हूँ उसको सेट करने के लिए। एंड देन मैं ले रही हूँ लैकमे का कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि है पाउडर कॉम्पैक्ट, SPF 40 के साथ आता है। इससे मैं अपना कंसीलर सेट करूँगी अच्छी तरह से, वही सेम डैम स्पंज के साथ। डैम स्पंज के साथ अगर आप कॉम्पैक्ट लगाओगे तो ये आपके फेस पर ऑल द लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत अच्छी कवरेज देता है। एंड मैं दूसरे आंख पर भी इसी तरह सिमिलर सेट करूंगी। एंड देन मैं इसी सेम कॉम्पैक्ट को अपने पूरे फेस पर सेट करूंगी, अपने सीसी क्रीम को सेट करने के लिए मैं इसी का यूज़ करूंगी, बिकॉज ये बहुत अच्छी कवरेज भी देता है, ये पाउडर सनस्क्रीन भी है। एंड देन इससे फेस पर मेरी एक बहुत नेचुरल सा ग्लो रहता है, तो मुझे ये कॉम्पैक्ट बहुत पसंद भी है। एंड देन मैं ले रही हूँ हिमालय हर्बल्स का छोटू काजल, जी हाँ छोटू का एप्स कम ओनली 45 रुपीज़, बट ट्रस्ट मी गाइस, इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी है, इतनी हाई है कि आप इसको लगाओगे तो आप इम्प्रेस हो जाओगे। ये ऐसा नहीं है कि स्मच फ्री है, बट इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। एंड देन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्मोकी आइज क्रिएट करना है, तो मुझे ये काजल इसके लिए परफेक्ट लगा। एंड देन मैं ब्रश से लेकर इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी, जिससे एक अच्छा सा
थोड़ा सा स्मोकी आई लुक क्रिएट हो। एंड आईलाइनर को मैंने ऑफ कैमरा ही अप्लाई कर लिया है। एंड मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक, जिसमें मेरा शेड है न्यूड। इट्स कम टू 205 रुपीज़। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट न्यूड लिपस्टिक। इतना अफोर्डेबल रेंज में आता है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और ये 8 आवर्स आपके लिप्स पर रहता है, ये ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। एंड ये इसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है। कम प्रोडक्ट्स के साथ ही क्रिएट हो गया, इसमें मेरा फेवरेट ये न्यूड लिप्स है बिकॉज आई लव दिस लिपस्टिक। ट्रस्ट मी गाइस, ये 7 से 8 घंटे चलती है, आप जरूर इसको आप खरीद सकते हो, बहुत अफोर्डेबल भी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो कि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो मैं प्रियंका मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक ये टेक केयर एंड बाय बाय। एंड मेरी कोई भी वीडियो आपको देखनी है तो आप स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हो, आप उस वीडियो पर पहुंच